हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि LM358 को कैसे चेक करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने दो IC लिया है, एक IC को जो कि मेरे पास ठीक है और एक IC जो ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले जो मेरे पास ठीक IC है उसे मैं चेक करता हूँ। IC को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखना होगा और मल्टीमीटर के रेड वायर को हमें IC के फोर्थ पिन यानी कि ग्राउंड पिन पर रखकर हमें मल्टीमीटर के ब्लैक वायर से हमें IC चेक करेंगे। तो यहाँ हम शुरुआत करेंगे IC के 5, 6, 7 पिन को स्टार्टिंग में चेक करेंगे, उसके बाद फिर IC के 1, 2, 3 पिन को लास्ट में हम चेक करेंगे। जब हम IC को चेक करेंगे तो हमें IC के 5th पिन से हमें रीडिंग मिलेगी 860 से 870 और IC के 6th पिन से हमें रीडिंग मिलेगी 870 से 880 और हमें IC के 7th पिन से 860 से 870 रीडिंग मिलेगी। और सेम चीज़ हमें IC के पिन 1 से हमें मिलेगी 860 से 870, पिन 2 से हमें मिलेगी 870 से 880 और पिन 3 से हमें 860 से 870 के बीच में रेंज हमको मिलेगी। अगर इतना रेंज आ गया एक IC में तो ये IC सही है, और अगर हम ख़राब IC को चेक करेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंस, मतलब रीडिंग में कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि IC जो वैसा रीडिंग नहीं दे रहा वो IC ख़राब है। तो हमने हमारे ठीक IC को चेक कर लिया, तो इससे ये पता चला कि ये IC ठीक है। अब चलिए हम जो ख़राब IC है उसे चेक करते हैं। इसे भी चेक करने के लिए हम सेम थ्योरी अपनाएंगे जैसे हमने पहले IC को चेक किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मिल रही है इसमें। तो इससे यह पता चल रहा है कि हमारे ये IC जो है ये ख़राब है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।